हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ई न्यूज विद योर होस्ट सादिया फैसल। डिटेल से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। रिवाइवल ऑफ सिनेमा के लिए एक और यंग डायरेक्टर की कोशिश। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द डिटेल्स। इस साल कई यंग टैलेंटेड फिल्म मेकर सामने आ रहे हैं जो रिवाइवल ऑफ सिनेमा के लिए अपनी हर मुमकिन एफर्ट्स के साथ फिल्म बना रहे हैं, जिसमें कुलाची, गोलचक्कर और कप्तान जैसी फिल्म शामिल हैं। और अब यंग डायरेक्टर और सिंगर शॉन अली डायरेक्ट कर रहे हैं एक फिल्म जिसका नाम है फातिमा। शॉन अली कैनेडा बेस्ड पाकिस्तानी डायरेक्टर और सिंगर हैं और 2004 में बेस्ट साउथ एशियन सिंगर की कैटेगरी पे कैनेडियन गवर्नमेंट अवार्ड के अलावा 3 अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं, जबकि कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर की नॉमिनेशन के अलावा 10 टाइम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी हासिल कर चुके हैं। फिल्म फातिमा की डिटेल्स ई न्यूज के साथ शेयर करते हुए डायरेक्टर शॉन अली ने बताया, फातिमा जिना जो एक बहुत नामवर पर्सनैलिटी रह चुकी है हमारे पाकिस्तान में, उनके ऊपर ये पार्शली फिल्म बेस करती है। उसके अलावा ये कि फिल्म के अगर मुतालिक मैं बात करूं तो आप इसको इस तरह बयान कर सकते हैं कि किस तरीके से एक औरत जो है वो पॉलिटिकल करियर में आती है और अपने पॉलिटिक्स को वो किस तरह हैंडल करती है, क्योंकि आजकल के जमाने में, आजकल की सोसाइटी में बहुत मुश्किल है इस तरह पॉलिटिक्स में आना और यू नो उसमें सक्सेस करना। तो बेसिकली फिल्म का जो स्टोरी लाइन है, जो बेस लाइन है, जो प्लॉट लाइन है, वो यही है। कास्ट के बारे में डिटेल्स ई न्यूज के साथ शेयर करते हुए शॉन अली का कहना था, फिल्म की कास्ट में 22 नए एक्टर्स को लिया गया है जो कि डिफरेंट फील्ड से हैं। कुछ थिएटर एक्टर्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं जिनको आज तक पाकिस्तान की ऑडियंस ने सिनेमा पर नहीं देखा होगा या वैसे भी नहीं देखा होगा। तो मैं मेरे लिए एक बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं एक ऐसे लोगों को स्क्रीन पर ला रहा हूं, ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा हूं कि जो आज तक स्क्रीन पर नहीं दिखे। उसके अलावा हमारे साथ स्क्रीन एक्ट्रेस जो हैं वो फरहान अली आगा साहब हैं, उसके अलावा सना हुमायूं हैं, उसके अलावा नाजिया मलिक जो है वो फातिमा का लीड रोल प्ले कर रही हैं इस फिल्म में, और उसके अलावा आयशा खान सीनियर ड्रामा एक्ट्रेस जो है वो भी इस फिल्म में। जबकि फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और स्टोरी के बारे में शॉन अली ने कुछ ये कहा, हमारा बेसिक एस्पेक्ट जो इस फिल्म को हॉलीवुड से इनकॉर्पोरेट करने का है वो ये है कि लायंस गेट फिल्म एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है यूएस की बहुत बड़ी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई है, 100 बनाई है, और इसके अलावा रेजिडेंट ईविल वगैरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिल्म इन पाकिस्तान। और उसके अलावा दुबई में, यूएस में, यूके में, कनाडा में, हर जगह ये फिल्म को लगाया जाएगा पाकिस्तान की पब्लिक के लिए। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अदर पाकिस्तानीज आउटसाइडर्स एज वेल टू सी। फिल्म की कहानी जो है वो पार्शली मैंने लिखी है और माइकल रे साहब हैं यूडीपी फिल्म्स यूनिवर्सल ड्रीम पिक्चर्स के, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा, जिनका ये आइडिया था कि फातिमा जिना को दिखाया जाए आज के जमाने के तौर पर। कि इस फिल्म की कास्ट की तरह म्यूजिक में भी नए सिंगर्स और म्यूजिशियंस की खिदमत ली जा रही हैं, जबकि इंडियन सिंगर्स की भी सॉन्ग्स इस फिल्म में सुनने को मिलेंगे। सूफी, क्लासिकल, रॉक जॉनराज जो हैं वो इंक्लूडेड है। विकी सनी क्लासिकल कर रहे हैं उसमें, उसके अलावा हमारे पास रॉक बैंड है नक्शत बैंड, एडी रॉकर हैं जो कि गाना दे रहे हैं, फैसल अमीन हैं, उसके अलावा बहुत सारे नए टैलेंट हैं जो कि क्वेटा से भी, बल्कि हमारे पास एक सिंगर है जिनका नाम मुशर्रफ नौशेद है, उन्होंने भी एक गाना दिया है। तो हम लोगों ने सारे नए टैलेंट को आगे लाने की कोशिश की। इंडिया से हमारे पास सोना मोहापत्रा जो है वो उन्होंने 2 साउंड ट्रैक्स दिए इंडिया से। उसके अलावा श्री चिन्मॉय साहब जो है उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया है जो कि स्लम डॉग मिलियनेयर के बैकग्राउंड स्कोर वाले। शान अली का मजीद कहना था कि प्रोडक्शन टीम में भी नए लोगों को शामिल किया गया है, जबकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन यूएस में की जाएगी। एक बहुत पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं कि वी वॉन्ट ऑल द न्यू कमर्स टू कम आउट टू द मीडिया एंड टॉक एंड शो देयर टैलेंट इन द मीडिया। तो इसलिए हमने जो प्रोडक्शन टीम है वो भी ब्रांड न्यू रखी हुई, उसमें से कुछ लोग जो हैं वो इनका एक प्रोडक्शन हाउस है टिंस एंड शेड्स मीडिया लैब, हसन महमूद मलिक, एंड उसके अलावा ऑन सेट डायरेक्टर जो है हमारी वो नताशा हैं जो कि यूएस से हैं लेकिन वो उन्होंने पाकिस्तान में पढ़ा। जो प्रोड्यूसर हैं वो माइकल रे हैं, अगेन वो को ओनर हैं यूनिवर्सल ड्रीम पिक्चर्स के जो कि यूएस में हैं। प्रोड्यूसर जो है वो समन हसनैन है, वो मिसेज पाकिस्तान वर्ल्ड रह चुकी हैं अपने टाइम में, और अभी वो इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट भी हैं जो कि विन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है।
वेल अब तक के लिए इतना ही, बट फॉर मोर एंटरटेनमेंट अपडेट्स कीप वॉचिंग ई न्यूज एवरी आवर. दिस इज योर साडिया फैसल साइनिंग ऑफ. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.